भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की, गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए, क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता, आपके ये साथी, आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? प्रताप गुप्ता ने, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है, राहुल गांधी को निकम्मा बताया है। अमेठी में जिस तरह से हमेशा अमेठी ने उनको प्यार दिया, लेकिन अमेठी की नहीं सोची गई, क्या कहा गया सुनिए जरा। आप सबने देखा होगा, जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया, वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था, फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से कहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तो मत लगाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी मैदान में है, हर पार्टी के अपने दावे हैं और अपने दावों पर कैसे जनता का भरोसा जीतने की कोशिश है। लेकिन इस बीच जनता क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, सीतामढ़ी से स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आज हम सीतामढ़ी पहुंचे हैं, एक बस में सवार हैं, क्योंकि जनता बस में होती है और आम जनता होती है। हम इन्हीं से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार सीतामढ़ी में क्या चल रहा है। बाबा, किसकी चलेगी सीतामढ़ी में, एनडीए की या फिर आरजेडी की? अब अभी हम कैसे बताएं, कुछ तो मन में होगा। किसकी चलेगी, बीजेपी की चलेगी? हमको तो उम्मीद वही लग रहा है। क्या लग रहा है? बीजेपी चलेगा। काहे चलेगी बाबा, ये भी बता दीजिए। अब काहे चलेगा सो कैसे, लेकिन बीजेपी चलेगी। हाँ। किसको जिताएंगे, मोदी जी को? अनुभव तो लग रहा है। हाँ, मोदी जी से बहुत हम लोग के लाभ मिला है, अभी आशा रखते हैं जो जीतेंगे हम लोग के बहुत, माने जैसे बिजली हुआ, रोड हुआ, अभी इनका साहबी में हम लोग के बहुत छूट मिला है, तो हम लोग चाहेंगे जहाँ तक कोशिश होगा जब मोदी जी जीते। महिला आरक्षण भी मिला ना, रिजर्वेशन भी मिला हम लोग का, बहुत मान सम्मान भी मिला है। सीतामढ़ी क्या कह रहा है, मतलब कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेगा, मोदी जी जीतेंगे। हाँ जी, मैं केकर चलता ही, मोदी के चलते ही? हाँ, मोदी चलते, आरजेडी नहीं चलते ही? ना, काहे ऐसे ही, कोई तो बात है। तो मोदी का साहिबी में बहुत ऐसा चीज बन चुका है, बनेगा। हाँ, बनेगा। यहाँ से कौन चलेगा भाई? एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर हैं आपके,
बीजेपी के साथ हैं, दूसरी तरफ अर्जुन राय हैं, कौन चलेगा और कौन नहीं चलेगा? बीजेपी। बीजेपी चलेगा, क्यों चलेगा ये भी बता दीजिए। क्योंकि काम कर रहा है, विकास कर रहा है, तो उन्हीं को दिया जाएगा। कांग्रेस भी थी पहले, अब बीजेपी है, कब आपको अच्छा फायदा मिला? हमको तो अभी पहले से ज्यादा अभी फायदा लग रहा है। अभी फायदा लग रहा है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आप बताइए किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी? लालू यादव के। लालू यादव की चलेगी? हाँ। काहे चलेगी भी बता दीजिए। हमको मोदी से कोई अथी नहीं है। नहीं है? नहीं। लालू यादव की चलेगी? गरीब आदमी सब भूखे मन अथी हो रहा है, सब जा रहा है महंगाई पर, कहाँ से खाएगा गरीब, कहाँ से फोटो अथी देगा, उसको वोट देगा? हम लोग सब इसको नहीं, हम सब। तो आप किसको देंगे वोट? लालू के। अम्मा आप, अम्मा अम्मा आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी से मतलब नहीं है, गरीब आदमी मर रहा है, आप कह रहे हैं गरीब को मिल रहा है सब। अब जिसका समझ में जो हो, अपना अपना समझ की बात है। लेकिन आपको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ गया तो समय अनुसार तो महंगाई बढ़ेगा ही। जब आदमी बढ़ गया तो महंगाई कहाँ जाएगी? फैसिलिटी बढ़ गया, अब जिसको हम ही लोग के घर में था तो दिया बढ़ते थे, अब बॉल बढ़ता है, अब बॉल से अब मन बढ़ गया, जब टीवी देखे, सीडी रखे, फ्रिज रखे, तो खर्चा बढ़ेगा ही। सीतामढ़ी में काम हुआ कि नहीं हुआ बताइए? हुआ तो बहुत हुआ है काम। ऐसे बस में सफर कर रहे हैं भैया, आप बताइए किसकी चलेगी? हम लोग जो है सब आरजेडी है। आरजेडी? हाँ, हम लोग आरजेडी। आरजेडी बस में सफर सुविधा, इसलिए कि हम लोग जो है जब वोट भी देंगे, लालू आते मोदी जी कहेंगे नहीं दिया है वोट, तो हम लोग आरजेडी है खुलियाम। हाँ, इसलिए कि हम लोग का लालू यादव था, बनिहारी बढ़ गया, हर को रोजगार बढ़ दे दिए। किसकी चलेगी भाई, मोदी की, आरजेडी की, किसकी, बीजेपी की? मोदी ही जीती क्या? मोदी जी जीतेंगे, क्यों जीतेंगे ये बता दीजिए। क्योंकि उनको जो कार्य है वो अच्छा लगता, अच्छा है, काम किया। सीतामढ़ी में काम हुआ? वैसे हाँ तो हो रहा है, तो अभी देख रहे हैं फिलहाल जो यहाँ पे तो ठीक ठाक हो रहा है। किसकी चला? हम लोग तो बीजेपी है, श्योरली बीजेपी। बीजेपी क्या वजह बता रहे हैं? बीजेपी के श्योरली इसलिए है, सुरक्षा सबसे ज्यादा सुरक्षा होता है, हम लोग को सुरक्षा मिला है हर चीज से, रोड से मिला है, रोड आने जाने के सारा चीज हम लोग को सुविधा मिली, इसलिए हम लोग को बीजेपी है। सीतामढ़ी खास सीता माँ के मंदिर काम हुआ? सीतामढ़ी में भी काम हुआ, ऐसी बात नहीं है सीतामढ़ी में काम नहीं हुआ। हमारे सीतामढ़ी इतना बड़ा है, चाहे पूरी बिहार राज है, तो धीरे धीरे काम होगा ना, एक बार तो सारा बिहार में काम नहीं होगा, इसलिए हम लोग बीजेपी है। मैं सीतामढ़ी में इसलिए कह रहा हूँ कि माता सीता का प्रकट स्थल है ये, तो आपको लगा कि सीतामढ़ी का विकास हुआ? अयोध्या बन गया भैया, अयोध्या भी बन गया, सीतामढ़ी भी बनेगा मंदिर, सीतामढ़ी भी बनेगी, अब बनेगा, बनेगा, हाँ बनेगा। मतलब क्या उम्मीद कर रहे हैं? बस 2025 के बाद सीतामढ़ी में बनना चालू हो जाए, चलेगी तो बीजेपी की चले। चलिए मैं, हम लोग ओके चले। आप लोग भी युवा हैं, आप बताएंगे किसकी चलेगी भाई? बीजेपी की चलेगी। क्यों चलेगी भाई ये भी बता दो। बीजेपी के बढ़िया शासन चल रहा है अभी, जो फिलहाल चल रहा है ठीक ठाक। आप बस में सफर कर रहे हैं, बस में सुविधा हुआ? हाँ ठीक है, पहले से तो अच्छा है। आप भी मोदी जी को पसंद करते हैं भाई? जी। कितना? बहुत ज्यादा। किसकी चलाएंगे आप? मोदी को। मोदी। किसकी चला रहे हैं, मोदी की या आरजेडी की, बीजेपी की? सर आरजेडी की। आरजेडी की, क्या वजह भैया जी? वजह क्या है भैया? तेजस्वी यादव यंग है, हम लोग यंग है, इसीलिए उसको चला रहे हैं। विकास की बात करें तो किसके राज में विकास हुआ? बीजेपी की सरकार देख ली, आरजेडी की सरकार देख ली आपने? अभी तो हम लोग जब से हैं, जब से तो अभी आरजेडी की सरकार आई है ना, तो वर्तमान 15-20 साल से तो बीजेपी और जेडीयू जो चला रही थी कुछ साल। नहीं अभी देखिए, आरजेडी भी आई थी साथ में, साथ साथ आरजेडी, आरजेडी आई है साथ में, तो विकास का काम हुआ है, बड़े स्तर पर रोजगार मिला है। अच्छा बीजेपी की क्यों नहीं चलेगी बता दीजिए जी? मतलब आपने कहा आरजेडी की चलेगी, बीजेपी की क्यों नहीं चलेगी? बीजेपी की इसलिए, बीजेपी रोजगार के मामले में कुछ बोल नहीं रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी चलेगी? मोदी की चलेगी। मोदी जी की? हाँ। क्यों चलेगी ये भी बता दीजिए। चलेगा, बहुत काम कर गया है, हाँ बहुत विकास किया। आप युवा है, आपके लिए कोई काम हुआ? अभी हमारे लिए नहीं हुआ है, घर के लिए हुआ है ना। आप बताइए भाई किसकी चलाएंगे? मोदी जी। मोदी जी जी। देश के प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? मोदी जी के। मोदी जी के। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, किसकी चलाएंगे? मोदी जी का। मोदी जी का? हाँ। क्यों? क्यों, विकास बहुत ज्यादा करता है, बहुत विकास किया है। आपके लिए क्या विकास हुआ? हम लोगों का लिए कुछ नहीं विकास किया है, तभी भी जानते कि विकास कर रहा है। सीतामढ़ी का विकास हुआ ड्राइवर साहब? सीतामढ़ी के लिए नहीं हुआ है विकास। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बनाने की बात आएगी तो किसकी चलेगी? मोदी का। किसकी? मोदी जी का। मोदी जी की।